दोस्तों आपका मेरे चैनल पर एस दिनेशिया शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो छोटा मोटा टूटा फूटा जो मैं मेकअप करती हूँ वो मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसने बोला कि निशा आप अपने चैनल में एक मेकओवर की भी वीडियो लेके आओ, यानी कि मेकअप से रिलेटेड एक वीडियो लेके आओ। तो मैंने छोटी सी स्टार्टिंग करी है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज थम्स अप, और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके लिए नए नए लुक लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ पे टोनर जो कि है गुड वाइब्स का, और इसको अच्छे से सूखने दिया। दोस्तों टोनर हमारे पीएच को मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगाया है एक सीरम जो कि मेरा होम रेमेडी का है। इसको मैंने अच्छे से अपनी स्किन पे लगा लिया क्योंकि अगर हमारा स्किन केयर अच्छा होगा तो इसका मतलब मेकअप भी अच्छा होगा। तो देन मैंने इसको हल्की से अपनी स्किन पे थोड़ी सी मसाज दी एंड देन ये पूरा ऑब्जर्व हो गया। उसके बाद मुझे एक लगाना है यहाँ पे मॉइस्चराइजर जो कि है गुड वाइब्स का कोकोनट का। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये आपकी स्किन को ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा क्योंकि हमको थोड़ा ड्यूली मेकअप करना, मतलब थोड़ा ड्यूई दिखना चाहिए जो आपका मेकअप है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैक का फाउंडेशन। वैसे मेरे पास ज़्यादा महंगे वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं बट मेरा फर्स्ट मेकअप वीडियो है तो इसलिए मैंने कहा कि जो मटेरियल है सब लगा के मुझे बनानी है वीडियो। देन मैंने अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया जो कि मेरा मैक का फाउंडेशन था। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हुड्डा ब्यूटी का एक फेस पाउडर था, या आप कह सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, ये जो हुड्डा ब्यूटी का जो मेरे को यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिला है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक अच्छी सी कवरेज देता है। देन उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया आई मेकअप। मुझे ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बताना कि मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपको कैसी लगी। मैंने अच्छे से जैसा ही मुझे आई मेकअप आता था मैंने स्टार्ट किया। आई साइड में मैंने दो ब्लैक कलर लिए हैं, एक हल्का ब्लैक लिया है जो ब्लूलिश कलर का था और एक ब्लैक कलर लिया, दोनों को आई साइड पर अच्छे से लगाया। देन मैंने इसके बीच में फिर एक शिमरी कलर लगाया, या आप कह लो सिल्वर कलर का एक ग्लिटर था जो कि मेरा हुड्डा ब्यूटी का ही पैलेट है जिससे मैंने ये आई मेकअप अपना क्रिएट किया है। देन अब मैं दूसरी आई से भी अपना करके वीडियो पे आ गई। अब इसके बाद मैंने लगाया है लाइनर, लेकिन लाइनर आई डोंट नो वो कौन सा था, वो पूरा इरेज हो चुका है, थोड़ा पुराना हो गया है इसलिए वो पूरा इरेज हो चुका है। लेकिन मैंने इसको हल्का सा आप समझ लो, इसको थोड़ा सा डार्क नहीं लगा के हल्का सा सिर्फ एक पतली सी लाइन ली है। देन उसके बाद मेरा दोनों आँखों का जो मेकअप था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे ये करना था कि अपनी आईब्रोज को फिल करना था, एक शेप देना था अपनी आईब्रोज को। देन मैंने अपनी आईब्रोज को शेप दे दिया है। अब इसके बाद करनी है कॉन्टोरिंग। दोस्तों जो हमारे जब हम कोई भी मेकअप लगाते हैं या कोई भी हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो हमारे जो फेस होता है ना उसको कोई शेप नहीं मिलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया अपने फेस को एक डायमेंशनल देने का कि थोड़ी बहुत डायरेक्शन वगैरह पता चल जाए कि कहाँ पे क्या है। तो मैंने थोड़ा बहुत जैसे ही मेरे को कॉन्टोरिंग आती थी मैंने करनी बस स्टार्ट कर दी। अब थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जैसा ही मुझे पता था कि कहाँ कहाँ पे कॉन्टोरिंग लगाते थे, थोड़ा सा मैंने डार्क वाला एक अपना आई शेडो पैलेट से ही एक थोड़ा सा हल्का डार्क कलर लिया और देन कर लिया। उसके बाद अपना फेवरेट 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 वाला प्रोडक्ट लगाया जो कि हाईलाइटर। आई लव इट यार, सीरियसली मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। यह है किस ब्यूटी का हाईलाइटर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, प्लीज़ आप एक बार यूज़ करके देखना। अगर आपको चाहिए तो मुझसे लिंक ज़रूर मांग लेना। इसके बाद मैंने बीच में ही पता नहीं कब काजल लगा लिया था, वो शायद वीडियो मिस हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास हुड्डा ब्यूटी की एक लिपस्टिक थी रेड कलर, मैं सोची थी इसे ना लगाऊं लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि लुक देने के लिए तो लगाना पड़ा। देन मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट एंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क सिमरी कलर लिया अपनी लिपस्टिक के लिए। एंड देन दोस्तों प्लीज़ बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, लव यू।